हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी फोटो एडिटिंग। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप की रामनवमी में स्पेशली फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। ये पर आप लोगों ने फोटो एडिटिंग को देख से तो गाइस बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो आप लोगों ने भी स्टेप की फोटो एडिटिंग बनाना है तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइस, चैनल पर नए तो चैनल को सबसे करके साइड की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ में आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के अंदर ही फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते स्टार्ट। ओके, तो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सेल को ओपन करके आप लोगों ने एबल बैकग्राउंड को ओपन करना होगा। तो ये सब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने अपने बैकग्राउंड को क्रॉप करना होगा। इसीलिए आप लोगों ने टूल्स के अंदर रहना होगा, क्रॉप के अंदर रहना होगा। आप लोगों ने पर क्या करना, पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में रहेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके, ये क्रॉप हो जाएगा। देन गाइस आप लोगों ने डन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर डन कर दिया, आप लोग देख सकते गाइस। तो ये सब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड फोटो के अंदर रहेंगे। ये पर आप लोग का भगवान राम का पीएनजी मिलेगा, आप लोग जाकर वो पीएनजी को अपने क्या करूंगा, ऐड करना होगा। तो मैं अपने क्या करूंगा, वो पीएनजी को ऊपर ऐड कर दूंगा। ओके, तो गाइस ये पीएनजी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। देन इस पीएनजी का आप लोगों ने क्या करेंगे, आप लोगों ने इसको ऊपर फुल बैकग्राउंड में लगाना होगा। ओके, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करेंगे, इसको स्काई के ऊपर इसको सही तरीके से एडजस्ट करना होगा। तो ये पर एडजस्ट हो चुका है, इरेज के अंदर रहना होगा। ये पर आप लोग ने हार्नेस को मैनेज कर दीजिए, साइज को थोड़ा सा प्लस करके आप लोग ने स्टेप का नीचे तरीके से आप लोग ने स्टेप के ऊपर इरेज करना होगा। जैसे कि मैं पर इरेज कर रहा हूँ, आप लोग ने स्टेप का सेम टू सेम इरेज करना होगा। ओके, देन गाइस आप लोग ने डन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर डन कर दिया। तो ये सब क्या करेंगे, यहाँ पर टूल्स के अंदर आएंगे, अपने बैकग्राउंड के ऊपर ब्लर करेंगे। तो आप लोग ने क्या करेंगे, इसका ब्लर अमाउंट आप लोग रखना होगा, इसको रखना होगा 10 में रखना होगा, 10 और गाइस आप लोग ने इसको 8 में रख दीजिए। देन गाइस आप लोग ने डन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर डन कर दिया, आप लोग देख सकते गाइस ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेयर पर वेट करना होगा। ओके, तो ये सब क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मॉडल के ऊपर ऐड करेंगे। तो इसीलिए आप लोग ने आर्ट फोटो के अंदर रहना होगा, आप लोग ऊपर क्या करूँगा, अपने मॉडल के ऊपर ऐड कर दीजिए। और गाइस मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, तो हमारे मॉडल को मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर इरेज कर देता। तो आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, अगर आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया हाउ टू बैकग्राउंड रिमूव। तो आप लोग ने जाकर वो वीडियो को देख लीजिए, आप लोग को पता चलेगा कैसे बैकग्राउंड को इरेज करना होगा। ओके, तो ये सब क्या करेंगे, फिर आर्ट पटक अंदर आएंगे। ये पर आप लोग को कुछ फ्लैग का पीएनजी मिलेगा, तो मैं फिर क्या करूँगा, वो पीएनजी के ऊपर ऐड कर दूंगा। ओके, तो क्या सिर्फ पीएनजी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। देन इस पीएनजी का आप लोगों ने फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों ने स्टेप के ऊपर आदर्श का लगाना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, आप लोग देख सकते गाइस। तो ये पर आप लोगों ने क्या करूँगा, फिर से पर आर्ट पटक अंदर रहना होगा, आप लोग को यहाँ पर एक तिलक का पेन मिलेगा। ओके, तो ये सब क्या करेंगे, बहुत तिलक वाली पेन जी के ऊपर ऐड कर देते हैं। तो गाइस पर आप लोग तिलक वाली पेन जी के ऊपर ऐड करना होगा। ओके, साथ में आप लोग गाइस आप लोग को एक और पेन मिलेगा, शैडो का पेन मिलेगा। शैडो नहीं तो एक इफेक्ट का पेन जी आप लोगों ने ये वाली पेन जी के ऊपर ऐड करना होगा। तो ये पर आप लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों पेन जी के ऊपर ऐड करना होगा। पहले तो एक शैडो वाले पीएनजी के ऊपर ऐड करना होगा, एंड जो दूसरा जो पीएनजी आप लोग एक तिलक वाले पीएनजी में लगेगा इसको ऐड करना होगा, एंड जो तीसरे जो पीएनजी आप लोग को एक लाइट का पीएनजी मिलेगा। तो आप लोग ने टोटल यहाँ पर तीनों पीएनजी के ऊपर ऐड करना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करूँगा, अपने यहाँ पर क्या करूँगा, तिलक वाले पीएनजी को ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना होगा, और इसका ब्लेंडिंग मोड को रखना होगा आप लोगों ने, इसको रखना होगा मल्टीप्लाई रखना होगा। ओके, देन इस पीएनजी को आप लोगों ने थोड़ा सा स्मॉल करके अपने यहाँ पर माथे के ऊपर इसको यहाँ पर आदर्श लगाना होगा। ओके, तो मैंने पर इसी तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया हूँ। तो ये सब हम क्या करेंगे, दूसरी वाले पेंच को ऑपरेट करेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड को ऊपर चेंज करेंगे, और इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके आप लोगों ने इसको रखना होगा, स्क्रीन रखना होगा। ओके, तो ये सब हम क्या करेंगे, आप लोग जो शैडो वाले पेंच को हमने यहाँ पर ऐड किया था वो पेंच को ऐड करेंगे। देन इस पेंच का आप लोगों ने क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप लोग नीचे आप लोगों ने स्टेप के ऊपर एडजस्ट कर लगाना होगा। ओके, देन गाइस आप लोगों ने डन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर डन कर दिया, आप लोग देख सकते गाइस। तो मैं फिर क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर आर्ट पटक अंदर आऊँगा, आप लोग को एक और फ्लैग का पेंज मिलेगा। ओके, येरा पेंज मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। देन इस पेंज को थोड़ा सा बड़ा करके आप लोग ने स्टेप के ऊपर यहाँ पर इसको एडजस्ट करना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से एडजस्ट कर दिया, आप लोग देख सकते गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करूँगा, आप लोग को एक स्मोक का पेंज मिलेगा, ऑरेंज कलर का एक स्मोक वाला पेंज मिलेगा। तो आप लोगों ने आर्ट पटक के अंदर आइए, आप लोग को बहुत स्मोक वाले पेंज के ऊपर क्या करूँगा, ऐड करना होगा। तो मैं फिर क्या करूँगा, बहुत स्मोक वाले पेंज के ऊपर ऐड कर दूंगा। तो ये रहा स्मोक का पेंज। ओके, ये वाले पेंज कट करना होगा। देन इस पेंज का आप लोग थोड़ा सा इस टाइप का बड़ा करके आप लोगों ने इस टाइप का नीचे आप लोगों ने यहाँ पर आदर्श का लगाना होगा।
ओके देन गाइस आप लोगों ने पर डन कर दीजिए। तो मैंने पर डन कर दिया। तो फाइनली आप लोग को एक लास्ट का पेज मिलेगा जो कि गाइस टेस्टेबल पीएनजी। तो आप लोगों ने फिर ऐड पर करना है, आप लोगों को एक टेस्ट का पेज मिलेगा, इरा पीएनजी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। देन इस पेज का आप लोग नीचे आप लोग इस टाइप का ऐप पर एडजस्ट करना होगा। तो ये पर आप लोग ने एडिटिंग को देख सकते हो, ये एडिटिंग अभी 50% हो चुका है, बाकी रिटचिंग करने के लिए इस फोटो को लेटरूम के अंदर ओपन करना होगा। तो ये पर आप लोग ने देख सकते हो गई समझ गए लेटरूम के अंदर। तो ये हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर आप लोग एक प्रेसर मिलेगा, इसको ओपन करना होगा लेटरूम के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग ने इसको कॉपी कर दीजिए। तो आप लोग को पता होगा कैसे कॉपी करना होगा, मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ। थीटेट के अंदर ना होगा, यहाँ पर कॉपी सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो प्रीसेट है पर कॉपी हो चुका है। ओरिजिनल फोटो के ऊपर ना होगा, फिर से थीटेट के अंदर ना होगा, यहाँ पर आप लोग को नीचे पेस्ट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो प्रीसेट है ये यहाँ पर कॉपी हो एंड पेस्ट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तो टेक केयर गाइस।